हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यून्स एंड ट्रैवलॉग्स। अभी मैं हूँ खजुराहो में, खजुराहो श्याम पोदार चौक में। मैं 7:30 बजे ही पहुँच गया था खजुराहो अपने दोस्त के साथ। अमन ने एक बाइक रेंट में लिया है बजाज डिस्कवर, उसके बाद हम तुरंत ही निकल गए घूमने। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन रहेगा रानेह फॉल्स। ये मानसून का टाइम है, आइडल टाइम रहता है रानेह फॉल्स जाने के लिए। तो हम पहले जाएंगे रानेह फॉल्स, फिर जाएंगे पन्ना नेशनल पार्क, उसके बाद हम रिटर्न आएंगे खजुराहो। और यहाँ पे जो खजुराहो टेम्पल है जिसके लिए खजुराहो फेमस है वही कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले रानेह फॉल्स। टी भी है देन रानेह बीच, और ये लेफ्ट जाती है पन्ना की तरफ, ये पन्ना की तरफ जाती है। बोलिए टिकट कहाँ से? कहाँ से? अच्छा, वहाँ से टिकट लेनी है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो 50 रुपये पर पर्सन, टू व्हीलर है तो 200 रुपीज़, और तीन पहिया वाहन मतलब ऑटो रिक्शा पे से जा रहे हैं तो 400 रुपीज़, फोर व्हीलर 600, मिनी बस 1200। यहाँ से 3 किलोमीटर है अंदर। गुटखा एवं धूम्रपान निषेध है। चलो भाई, हम तो खाते ही नहीं। क्या गजब का फॉल है भाई, इंडियन कैनियंस देखने के लिए मिल रहा है भाई साहब। मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। ये फॉल सीजनल है, अगर आप रेनी सीजन पे ही आ रहे हो तभी आपको मिलेगा, वरना ये बाकी टाइम सूखा रहता है। मगर अगर बारिश के टाइम आ रहे हो तो आपको केन घड़ियाल सेंचुरी भी जाना नहीं, जाने के लिए नहीं मिलेगा। मगरमच्छों का ब्रीडिंग का सीजन है ना ये। देखो ग्रेनेट पत्थर, वो ग्रे ग्रेनेट पत्थर, ये पिंकिश ग्रेनेट पत्थर। दूर दूर तक कोई टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड एरिया है, लोग यहाँ पे आते नहीं ज़्यादा क्योंकि सीजनल फॉल है। और यहाँ से 25 किलोमीटर है पांडव फॉल्स, वही है आधा घंटे के ऊपर लगेंगे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ से रानेह फॉल से पांडव फॉल का रास्ता बहुत ही ख़राब है। हम रानेह फॉल से एक शॉर्टकट के जरिए मेन रोड आ गए, और यहाँ से और 5 किलोमीटर की दूरी है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही है पांडव फॉल्स। तो उसकी टोपी उड़ के गिर गई थी नीचे, तो दोस्त गया है टोपी लाने। तो अभी हम पहुंच गए पांडव फॉल का रास्ते में। यहाँ से पांडव फॉल का डाइवर्शन है। यहाँ पे बाइक की चार्जेस है 100 रुपीज़, ऑटो रिक्शा 200 रुपीज़, फोर व्हीलर 300 रुपीज़, बस 600 रुपीज़। अगर यहाँ पे इन लोगों ने 75 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं गाइड लेना कंपलसरी है, शायद अंदर गाइड मिलेगी हमें, उसके लिए भी 75 रुपीज़ ये लोग ले रहे हैं हमसे। ऐसा पेड़ देखा आप लोगों ने, इसको घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल का भूत। ये क्या होता है, चांदनी रात में जब चंद्रमा की रोशनी इस पे जाती है तो रेडियम के जैसे रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, ये पेड़ वाइट बार का भैया पांडव फॉल्स क्यों कहते हैं? पांडव फॉल्स इसलिए बोलते हैं सर, महाभारत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो महाभारत के जो अपने अर्जुन भीम लोग थे, तो जब इनको जो एक वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास की जो स्टार्टिंग की थी वो यहाँ से की थी उन्होंने, इसी वजह से इस जगह को उनका नाम दिया गया। मगर वो तो चित्रकूट में थे सर। नहीं नहीं, वो नहीं गए वहाँ पे, तो वो ठहरे थे श्री राम राम भगवान वहाँ पे ठहरे थे। तो अज्ञातवास की जो स्टार्टिंग की थी वो यहाँ से की थी, फिर वो यहाँ से सीधा क्या बोलते हैं
वहीं जयपुर नहीं 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 कोई राजा के पास चले गए थे ना। हाँ, हाँ। राजस्थान में एक राजा था। हाँ। उसी में जो पांच हाँ, हाँ, हाँ। विराट नाम का राजा था। हाँ। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अज्ञातवास फिर पूरा किया था जी। आपको सर यहाँ पे दो दो फॉल देखने के लिए मिलेंगे। एक तो ये रहा, कौन सा ये वाला। तो अभी सर एक फॉल इसलिए इसमें ज्यादा पानी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ दो हफ्ते से ठीक से बरसात नहीं थी, बारिश के लेकिन अगर ये सर्दी के टाइम पे आए हाँ तो शायद जी, पानी जी, अक्टूबर नवंबर में। हाँ जी अक्टूबर नवंबर में आइए आप। अच्छा। बहुत सारी फिश देखने के लिए मिलेंगी। वो गुफाएं बनी हुई हैं वो जी वो भी नीचे देखिए। लेकिन सर अभी जाना अलाउड नहीं है। अच्छा वो गुफा जी अभी जाना नीचे अलाउड नहीं है जी जी। अच्छा वो वाली केव से। तो ये जो गुफाएं थी ये बाद में 1600 ईस्वी में बुंदेलखंड का नाम सुना होगा। बुंदेलखंड में 1600 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल जी का शासन हुआ करता था। अच्छा तो महाराजा छत्रसाल जी का ये फेवरेट हंटिंग प्लेस होता था। वो यहाँ पे जंगली जानवरों को मारने के लिए रुकते थे और जो उनके फ्रेंड्स वगैरह दोस्त दोस्त आते थे वो भी यहाँ पे। महाराजा का नाम क्या था? छत्र छत्रसाल छत्रसाल जी। अच्छा एक ऐसा राजा था जो जिसने कोई भी जिससे भी मान लो औरंगजेब आया था औरंगजेब से भी नहीं हारा। केवल एकमात्र ऐसा राजा था बुंदेलखंड का। और जब अच्छी बरसात होगी ना जैसे अगस्त में ज्यादा बरसात होती है यहाँ पे तो ये फॉल पूरा गिरता है फिर एकदम पूरा ढक जाता है ये पूरा ना ये वाला फॉल जो रॉक है पूरे ढक जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखता है फिर एकदम भड़ 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 और इतना धुआं टाइप का उठता है यहाँ पे पूरे में आपको दिखेगा। अगर आपको कभी और भी इसको अच्छे से देखना है तो आप लोग यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में आइएगा। अक्टूबर नवंबर यहाँ पे आइडल टाइम है ना। हाँ जी यहाँ पे सबसे अच्छा सीजन माना जाता है। बारिश तो उस दौरान होती नहीं फिर नहीं होती रहती है तो हल्की फुल्की होती रहती है जैसे अभी हो रही है ना ऐसी बरसात होती रहती है उस टाइम पे। फिर हमारे यहाँ जो जंगल भी है उसको भी खोल देते हैं तो आप लोग उसमें भी जाते घूम सकते। अच्छा पन्ना रिजर्व पूरा ना जी जंगल सफारी सफारी होती है जी। अभी सफारी बंद है ना? अभी बंद ये टाइगर के टाइम पे ब्रीडिंग टाइम है जी इसी वजह से। अच्छा वहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी भी बंद था कोई बंद था। अच्छा मतलब आइडल टाइम हो गया। मैं अक्टूबर के बाद ही आऊं जी जी अक्टूबर से 1 अक्टूबर से खुल जाता है। अक्टूबर के बाद ही आना पूरा फॉरेस्ट 1 अक्टूबर से खुल जाता है। अच्छा अलग अलग ड्रोन से ये अगर पूरा व्यू लेते तो पूरा दिल सिप का आता ना। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये पत्थर दिलों के लिए होगा ना क्योंकि दिल पत्थर का बना हुआ है। ये पूरा दिल के सेप का है ना। अच्छा ओके अभी हम निकल रहे हैं खजुराहो के लिए। यहाँ से खजुराहो है 30-35 किलोमीटर्स अराउंड। खजुराहो बेसिकली है ग्रुप ऑफ टेंपल्स। खजुराहो में वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स है वेस्ट साइड में। ऐसे ईस्ट साइड में है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स और सदर्न में भी कुछ हैं टेंपल्स तो वो अब कवर करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे है हमारी ट्रेन। अभी बज गई 12 बज चुके हैं तो हम लंच भी करेंगे मंदिर भी घूमेंगे उसके बाद ट्रेन भी पकड़ेंगे। अभी हम पहुंच गए खजुराहो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स। 40 rupees फॉर इंडियंस 600 rupees फॉर फॉरेनर्स। भैया दो टिकट वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स लो। भैया ऐसे ईस्टर्न के लिए भी टिकट लगती है क्या? ईस्टर्न फ्री है। और कहाँ पे? वेस्टर्न हो गया ईस्टर्न हो गया और सदर्न भी है। हाँ। अच्छा नॉर्थ में नहीं है नहीं। ओके 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 और बाकी दोनों हाँ बस। तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा सेल्फी स्टिक ले लिया क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड अलाउड नहीं है और मेरे सेल्फी स्टिक के नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड थी तो उसने खोल लिया। अब मुझे कैमरा एक जुगाड़ के जरिए पकड़ना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं अभी ये खजुराहो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स। ये देखो यहाँ पे पहले 85 टेंपल्स थे जिसमें से अब कुछ ही टेंपल बचे हैं। चंडेला रूलर्स नहीं बुंदेलखंड के रूलर्स थे चंडेला डायनेस्टी के उन्होंने बनाया था खजुराहो। और वैसे तो खजुराहो फेमस है इसके इरोटिक एंड सेंसुअल आर्ट के लिए। अब मैं पढ़ रहा तो यहाँ पे पता चला कि जो आर्ट है ना हर टेंपल्स में दो जो आर्ट्स आर डेडिकेटेड टू द 4 स्टेट ऑफ हिंदुइज्म धर्मा कामा अर्थ एंड मोक्ष।
दिस विल बी आवर फर्स्ट टेम्पल. उसके बाद हम एक एक करके सारे टेम्पल कवर करेंगे. कंदरिया टेम्पल. खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बाहर बाहर से रास्ता है. ये एक शिव जी के मंदिर के लिए ये सामने जो टेम्पल है ये बाकी ग्रुप से अलग रखा गया है क्योंकि ये अकेला टेम्पल है जहाँ आज भी पूजा हो रही है. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, 18 फीट की शिवलिंग. तो इसी को देखने हम अभी आ रहे हैं. हम पहुँच गए अभी ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स. पास ही है दोनों. कितना 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा. विष्णु के बामन अवतार को समर्पित है. जो वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल में ना टेम्पल की बंचिंग थी वो इकट्ठे सब टेम्पल थे. ईस्टर्न ग्रुप में सारे टेम्पल दूर दूर है. लेकिन हाँ यहाँ पे दूसरा वहाँ पे बता रहे थे यहाँ जो विष्णु जी की प्रतिमा है उनका सर नहीं है. अंग्रेजों ने या फिर कहते हैं मुगल्स ने तोड़ दिया था उनका सर. बाकी देखते हैं अंदर जाके कौन सा टेम्पल है. जवारी टेम्पल. चल रहा है इसलिए आवाज हो रहा है. कुछ चल रहा है यहाँ पे. जैन मंदिर ईस्टर्न ईस्टर्न खजुराहो मंदिर का ही पार्ट है जिसमें 3 मंदिर है, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और शांतिनाथ. तो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बाद हम आ गए अभी सदर्न ग्रुप में. सदर्न ग्रुप में भी 3 टेम्पल है. ये टेम्पल इसका नाम है दूल्हा देव टेम्पल. सदर्न काफ़ी टूट फूट गए हैं या फिर मुगलों ने तोड़ा है पता नहीं. ये सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में ये भी शिव जी का ही टेम्पल है. पूजा होती है भैया यहाँ पर अभी भी? अभी पूजा नहीं होती ना. पूजा में शिवरात्रि में एक दिन होती है बस. बाकी दूल्हा देव के बाद जो बाकी 2 चतुर्भुज टेम्पल है और कोई टेम्पल है वो भी शिव जी के ही मंदिर है. वो 3 देवताओं एक स्टेचू है 3 बार. अच्छा कौन सा आगे वाले बॉडी ऑफ कृष्ण. कहाँ कौन सा टेम्पल? कौन सा टेम्पल का नाम? चतुर्भुज टेम्पल. अच्छा शिव जी अरे खुदाई वाला टेम्पल सुन रहा उसमें शिव जी की खुदाई वाला क्या है वो चतुर्भुज बाजू में. अच्छा बीजा मंडल टेम्पल के बाद अब हम आ गए बीजा मंडल. मेरा कार्ड रख लीजिए. हाँ आप अपनी धर्म पत्नियों के साथ आना. धर्म पत्नियों के साथ? हाँ. अच्छा तो मुझे कॉल कर लो. आपका नंबर बता दीजिए. पक्का? हाँ 999 999. तो इसमें लिख रहा है? हाँ इसमें वीडियो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है. सामने आ रहा हूँ. सामने चलिए. आपका नाम बता दीजिए. चालू करिए. चालू है. देखिए सर मेरा नाम राम विशाल दीक्षित है. हाँ. आप खजुराहो आए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. खजुराहो के मंदिर अर्थ धर्म काम और मोक्ष के हैं जिन्हें हम एरोटेक फिलोसफी मैथोलॉजी आर्ट और कल्चर कहते हैं. हम पर्यटक सहायक हैं. आप हमें यहाँ मिल गए तो आप सुन लीजिए. द न्यूली डिस्कवर्ड एक्सकैबेटेड बिगेस्ट टेम्पल बीजा मंडल जटकरा एट खजुराहो ड्यूरिंग द ईयर 1999 2000 में आप खड़े हुए हैं. एक कई प्रकार की यहाँ नक्काशी है. खुदाई में मंदिर निकला है. भारतीय पुरातत्व
खजुराहो के मंदिरों को अपने बच्चे से भी ज़्यादा सहज कर रखे हुआ है। और मेरा नाम आरबी दीक्षित है, 999-3036-525, ये नंबर ना लगे तो 9425143133 ये मेरा नंबर है। अच्छा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप आइए, आप हमको फ़ोन करना, हम आपको स्टेशन से लेने जाएंगे। अच्छा। या एयरपोर्ट से लेने जाएंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का काम है, फिर आपको विद गाइड सब कुछ घुमाएंगे। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, तो ये दीक्षित जी थे। हाँ। और अगर आप आ रहे हैं खजुराहो, हाँ, तो आप उनको पहले से फोन करके, हाँ, आप उनके साथ जा सकते हैं। हाँ। ये आपको वेस्टर्न ग्रुप, हाँ, ईस्टर्न ग्रुप, सदर्न और सदर्न ग्रुप, ये तीनों टेंपल के बारे में अच्छे से बताएंगे। मगर इनका एक कंडीशन है, अगर आप धर्म पत्नी के साथ आ रहे हैं तो तभी ना। नहीं नहीं, अकेले भी आइए तो। ये नक्शा है खजुराहो, ये मेरे पास मैप भी है। तो इसमें कौन सा वेस्टर्न ग्रुप था? ये है वेस्टर्न। अच्छा, ये वेस्टर्न ग्रुप था। हाँ, और ये ईस्टर्न है। अच्छा, ये सदन है। ये सदन, अभी हम कहाँ पे? अभी आप यहाँ खड़े हैं, अभी हम यहाँ चतुर्भुज मंदिर और ये बीजा मंडल। अच्छा, ये बीच में। तो हमारे सिर्फ वेस्टर्न ईस्टर्न में ही तीन मंदिर है, जैन मंदिर, बाकी सारे हिंदू धर्म के लिए है ना। मामन मंदिर, तीन मंदिर सिर्फ जैन धर्म के लिए, बाकी सारे आदिनाथ पार्श्वनाथ, बाकी सारे हमारे हिंदू धर्म के लिए। ये भी शिव जी का ही मंदिर था। ये शिव जी का मंदिर, खुदा 1999 में खुदाई में मिला था। अच्छा, 99 में इसकी एक्सकवेशन वर्क में ये मंदिर डिस्कवर मिली थी हमें। ये सारे चीजें जितने पुर्जे हैं मंदिर के पार्ट्स, ये भी सारे मिट्टी के नीचे से ही मिले। यहाँ पे ही इस मंदिर का गर्भगृह था, जहाँ पे शिव जी का लिंग अभी भी है। ये शायद लोगों ने रखा होगा बाद में। जितने भी हमारे हिंदू धर्म के मंदिर हैं पुराने वाले, तो मैक्सिमम मंदिर तो मुगल्स के टाइम पे ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। और जिसमें सबसे महान मुगल औरंगजेब ने ही, औरंगजेब का ही हाथ था। सदन ग्रुप की यह है आखिरी टेंपल, चतुर्भुज टेंपल। इसमें बहुत बड़ी प्रतिमा है भगवान की, ये भी विष्णु जी की है। तो खजुराहो बेसिकली है थ्री ग्रुप्स ऑफ टेंपल, उसके बाद रानेह फॉल्स और पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसमें है पांडव फॉल्स। बस ये तीन जगह ही आप खजुराहो ट्रिप में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको समरी देता हूँ, यहाँ पे आप आएंगे कैसे। दिल्ली से निजामुद्दीन स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन चलती है, यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे छोड़ती है ट्रेन, और सुबह 6:30 बजे पहुँच जाती है खजुराहो। फिर आप या तो कोई गाड़ी रेंट ले लो, या फिर एक बाइक ले लो हमारी तरह, और ये तीनों के तीनों कवर कर लो एक ही दिन में। और उसके बाद फिर वही ट्रेन रिटर्न जाती है दिल्ली शाम के 6:30 से, और सुबह पहुंचती है दिल्ली सुबह 5:30 बजे। तो वन डे ट्रिप है, आप संडे भी आगे कवर कर सकते हो, सैटरडे निकल जाओ, संडे कवर कर लो। जहाँ से हमने गाड़ी उठाया था सुबह, फ़ोन नंबर ये रहा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा फ़ोन नंबर। 5:15 हो गए और 6:20 की है हमारी ट्रेन, यहाँ से रेलवे स्टेशन है 8 किलोमीटर। ये रहा हमारा होटल, होटल ये कहाँ है हमारा होटल है, वो रहा हमारा होटल। एंड फाइनली हम पहुँच गए खजुराहो रेलवे स्टेशन। ट्रेन अभी लग चुकी है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 20 मिनट बाद इसका डिपार्चर है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट खजुराहो ट्रिप। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट में, कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करो, ट्राई करूँगा रिप्लाई देने के लिए। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मैं शेयर कर दूँगा, हमारा वो टूर एंड ट्रेवल्स का उसका कॉन्टैक्ट नंबर,
कोई गाइड जो मिले थे हमें उसके कॉन्टेक्ट नंबर और प्लेसेस टू विजिट. आइडल टाइम है अक्टूबर, 1 अक्टूबर के बाद ही आना क्योंकि गर्मी यहाँ पे सहन से बाहर है. जुलाई के महीने में रेनी सीजन में भी बहुत ताबड़तोड़ गर्मी है. मिलते हैं बहुत जल्द कोई दूसरी वीडियो के साथ दूसरे जगह में. तब तक बाय बाय, टेक केयर.